नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आज मेरे साथ यहाँ पे इकोनॉमिस्ट और टैक्स एक्सपर्ट मौजूद हैं, शरद कोहली जी। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आपका जीबीएन 24 में। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाएं कि आखिरकार ये टैक्स होता क्या है। देखिये, टैक्स तो बहुत पुरानी परंपरा है, जब राजे महाराजे होते थे तब भी कर वसूली होती थी। तो टैक्स कुछ नहीं है, आपकी इनकम का एक हिस्सा सरकार को दिया जाता है, जिससे देश का खर्च चलता है, देश में विकास होता है, देश की जो सरकार की पूरी मशीनरी काम करती है। और यही टैक्स ही मैं अगर कहूँ तो देश के विकास की तरफ इशारा भी करता है कि देश कितना विकास कर रहा है, लोगों की कितनी इनकम है, बहुत सारी बातों का हमको टैक्स से पता लगता है। कुल मिला के अगर हम आसान भाषा में समझें तो टैक्स सरकार का रेवेन्यू है। जैसे कोई बिजनेस कामकाज करके अपनी सेल करके रेवेन्यू कमाता है, इसी प्रकार सरकार टैक्स कलेक्ट करके अपनी रेवेन्यू कमाती है। अच्छा सर, ये जो टैक्स होता है कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं? देखिए, टैक्स एक जमाने में तो 2017 से पहले तो भारत में बहुत सारे टैक्सेस होते थे, और आपको याद होगा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया जी। और 17-18 टैक्सेस को मिलाकर इनडायरेक्ट टैक्स में एक जीएसटी को बना दिया गया। तो अब हम मुख्यतः देखें, वैसे तो 2 से ज्यादा है पर मुख्यतः 2 है। उस 2 को भी अगर मैं ब्रॉड नेम दू, जनरल नेम दू, तो एक डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आता है जो कि आप अपनी कमाई पर देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में आप जो भी खरीदारी बाजार से करते हैं, कोई सामान खरीदे, कोई सर्विस ले, उस पर आप जीएसटी देते हैं। इसके अलावा अभी वैट भी है कुछ चीजों पर, जिसको हम वीएटी कहते हैं, वो अभी आप पेट्रोल और डीजल पर वैट है, लिकर पर वैट है, जो अल्कोहल मिलता है उस पर वैट है, बिजली जो आपके घर में आती है उस पर भी वैट लगता है। तो कुछ अभी 3-4 चीजें ऐसी हैं जिस पर जीएसटी नहीं लगता, बाकी सब चीजों पर जीएसटी लगता है। तो जीएसटी और वैट को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे, और जो आप अपनी कमाई पर देते हैं उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। तो मुख्यतः 2 तरीके जी। अच्छा सर, ये जो टैक्स है ये सरकार क्यों लगाती है, जैसे कि आपने बताया कि सरकार का रेवेन्यू जनरेट करने का एक सोर्स है। जी हाँ, सरकार अगर अभी जो जुलाई में बजट आएगा जी, नई सरकार जब इलेक्ट होगी, जो भी सरकार आएगी, तो 1 जुलाई को, क्योंकि जो 1 फरवरी को बजट आया था वो अंतरिम बजट था, और 1 जुलाई को जो बजट आएगा वो फुल फ्लेज बजट होगा। तो आप देखेंगे कि बजट का जो साइज होता है जो पार्लियामेंट में, वो टैक्स के आधार पर होता है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि पहली बार आजादी के बाद हमारा शायद 50 लाख करोड़ के आसपास का बजट आए, और उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की हिस्सेदारी बहुत बड़ी होगी। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि सरकार टैक्स क्यों लेती है, अगर सरकार टैक्स ना ले तो सरकार के जितने भी खर्च हैं, जितने भी बुनियादी ढांचे पे खर्च होते हैं, या जो 50 लाख आदमी केंद्र सरकार में काम करते हैं, उसके अलावा 47 लाख लोग राज्य सरकारों में काम करते हैं, सारे राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरीज को मिला के लगभग 1 करोड़ लोग सरकारी तंत्र में काम करते हैं, उन सबकी तनख्वाहें जानी होती हैं। सरकार के अलग अलग किस्म के सड़कें बनती हैं, ब्रिज बनते हैं, एयरपोर्ट्स बनते हैं, पोर्ट्स बनते हैं, गाँव का विकास किया जाता है, पोर्ट्स का विकास, बहुत सारी जितना भी आप आसपास सरकार का खर्च देखते हैं वो सब टैक्स की कलेक्शन पे निर्भर करता है। तो सरकार, अगर मैं आपके सवाल को और दूसरे तरीके से करूं कि अगर सरकार टैक्स नहीं लगाएगी तो क्या होगा जी, तो शायद ज्यादा आसान होगा समझना। मैं यूं कहूंगा कि देश का चक्का जाम हो जाएगा और सरकार को खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे, उसके लिए सरकार को उधार लेना पड़ेगा। अगर क्योंकि अर्थशास्त्री की हैसियत से कहूं तो अगर सरकार उधार ज्यादा लेगी तो आपको महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और सरकार इतने ज्यादा कर्ज के बोझ में आ जाएगी कि वो ब्याज का खर्च उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी कि ये कहना अगर गलत नहीं होगा कि यानी कि जो पाकिस्तान के जो हालात रहते हैं उनको उधार लेना पड़ता है अलग देशों से, तो कुछ इस तरह की स्थिति पनपती है जब टैक्स सरकार नहीं सही से। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान में इस समय महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और वहाँ की सरकार कर्ज के नीचे दबी हुई है। IMF, वर्ल्ड बैंक, चीन से, सऊदी अरेबिया से, दुनिया भर से उन्होंने कर्ज लिया हुआ है, उस कर्ज को वो वापस भी नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि वहाँ लोगों की कमाई नहीं है तो टैक्स कलेक्शन नहीं हो पा रही। अगर टैक्स कलेक्शन है भी तो वहाँ पर भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि वो पैसा बजाय सरकार के खाते में जाने के अफसरान की जेब में चला जाता है। तो जी हाँ बिल्कुल, अगर टैक्स की कलेक्शन नहीं हो तो पाकिस्तान की हालत का एक नमूना आप देख सकते हैं, जिससे आपको सवाल का सीधा जवाब मिलेगा कि टैक्स अगर सरकार ना लगाए तो उसकी क्या हालत हो सकती है। अच्छा, टैक्स की दर कौन तय करता है? टैक्स की दर भी हम अगर टैक्स को 2 हिस्सों में बांटें, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स की दर तो सीधा सीधा वित्त मंत्रालय तय करता है, और वित्त मंत्रालय, आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री महोदया 1 फरवरी को नॉर्मली, तो इस बार तो जुलाई को आएगा, पर 1 फरवरी को आम जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 1 फरवरी को आता है,
तो वो खड़े होके बना के लाती हैं। पूरी वित्त मंत्रालय में फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, ये सारी टीम होती है। उसके ऊपर, उसके नीचे सीबीडीटी होता है, जिसको हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। तो ये सब जो एजेंसीज हैं, ऑफिसर्स हैं, मंत्रालय, ये मिलके टैक्स की दरें तय करते हैं, बजट बनाया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो वो जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। जीएसटी काउंसिल समय समय पर उसकी मीटिंग्स होती हैं, आपने देखा होगा 2-3-4 महीने में उनकी मीटिंग्स होती हैं। उसमें वित्त मंत्री और सभी राज्य सरकारों के वित्त मंत्री उसमें बैठते हैं, वो मिलकर निर्णय लेते हैं कि जो जीएसटी की दर आपको दिखती है 0%, 5%, 12%, 18%, ये सारी दरें जीएसटी काउंसिल अंततः तय करती है। पर इसके लिए रिकमेंडेशंस उनको अलग अलग जगह से आती हैं, पर अंतिम निर्णय जो होता है वो जीएसटी काउंसिल का होता है। तो डायरेक्ट का वित्त मंत्रालय तय करता है और इनडायरेक्ट का जीएसटी काउंसिल तय करता है। अच्छा सर, ये टैक्स स्लैब क्या होता है और कितनी एनुअल इनकम होनी चाहिए कि कोई कर्मचारी वो टैक्स स्लैब के अंतर्गत आता है? देखिए, टैक्स स्लैब्स, इसको हम अगर इंग्लिश में एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का अर्थ है कि जिसकी जितनी कमाई उतना वो टैक्स दे। ठीक है, तो टैक्स स्लैब का अर्थ है कि अगर आपकी कमाई कम है, जैसे अभी हम डायरेक्ट टैक्स में दो तरीके की टैक्स रिजीम्स हैं, एक ओल्ड टैक्स रिजीम है, एक न्यू टैक्स रिजीम है। एक के अंतर्गत 2.5 लाख की सीमा है, एक के अंतर्गत 3 लाख की सीमा है। और अगर आपका न्यू टैक्स रिजीम में तो 7 लाख तक टैक्स नहीं है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं मिलता। तो टैक्स की दरें जो होती हैं वो कम आय वालों के ऊपर कम टैक्स लगाया जाता है, और जिसकी आय 50 लाख रुपए साल से ज्यादा है ऐसे व्यक्ति के ऊपर हाईएस्ट टैक्स लगता है, करीब करीब 40% के आसपास है, उससे भी ज्यादा टैक्स लग जाता है, 42 भी लग जाता है सरचार्ज मिलाकर। तो टैक्स की दरें आपकी आय के आधार पर लगाई जाती हैं। अगर कम आय है तो टैक्स की दर शुरू हो जाएगी 5% से, और यही बढ़ती 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 अंततः आपको 40-42% तक भी जा सकती है। तो अलग अलग स्लैब्स होते हैं, इन दरों को भी वित्त मंत्रालय ही तय करता है, इन दरों का भी निर्धारण। और इनडायरेक्ट टैक्स में भी स्लैब होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में स्लैब आपने देखा होगा, कुछ चीज़ों पर 5% लगता है, कुछ पे 12 लगता है, कुछ पे 18 लगती है। ये स्लैब नहीं इसको हम कहेंगे, इसको हम अलग अलग टैक्स रेट्स कहेंगे जो अलग अलग सामान पर लगाया जाता है। और एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो टैक्स लगता है, आपने जो दूसरी बात पूछी कि एम्प्लॉयज़ की जितनी सैलरी होती है, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी सैलरी के अनुसार जिस भी टैक्स स्लैब में वो आते हैं उसके अनुसार टैक्स लगता है। जैसे अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की आप बात करें तो 5%, फिर 20% और फिर 30%, तीन तरीके के स्लैब होते हैं। इसी प्रकार अगर न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो 5, 10, 15, 20 और उसके बाद 30, इस तरीके से स्लैब लगाए जाते हैं। तो जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाती है वैसे टैक्स बढ़ता जाता है। अच्छा सर, ऐसी कोई खास टिप हमारे दर्शकों के लिए कि जो टैक्स बचाना चाहते हैं, थोड़ा कम देना चाहते हैं, कुछ ऐसी कोई खास बात? जी हाँ, डायरेक्ट टैक्स में बचाने के बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं, और डायरेक्ट टैक्स को बचाने का सबसे जो कारगर तरीका, सबसे पुराना तरीका है, क्योंकि दो प्रकार के तरीके हैं। एक तरीका वो है जो ओल्ड टैक्स रिजीम में आता है, ओल्ड टैक्स। एक तरीका ये है जो न्यू टैक्स रिजीम में आता है। तो इसलिए न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें तो टैक्स बचाने के तरीके बहुत कम हैं, पर जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें आप टैक्स बचाने के तरीके हैं। सबसे पुराना तरीका और सबसे कारगर तरीका और सबसे मशहूर तरीका मैं बात करूं तो वो इन्वेस्ट करके बचाने का है। आपको एक बहुत मशहूर सेक्शन है, सेक्शन 80C बोलते हैं, जिसके अंतर्गत आप 1.5 लाख रुपए अपने इंश्योरेंस में, NSC में, PPF में, हाउसिंग लोन रीपेमेंट के प्रिंसिपल में आप देते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए की उसमें से छूट मिल जाती है। इसके अलावा एक सेक्शन 80D होता है, उसमें आप मेडिक्लेम पॉलिसी को लेते हैं, अपने मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं, वो माफ़ हो जाता है। बच्चों की आप स्कूल ट्यूशन फीस देते हैं, वो 80C में माफ़ हो जाती है। और अगर मैं नौकरी पेशा वालों के लिए और भी अंदर डीप डाइव करके बात करूं तो आप मान लीजिए किराए के मकान में रहते हैं जी, तो किराए के मकान की आप रसीद दे सकते हैं जो आप किराया दे रहे हैं। तो एक सेक्शन 1013A होता है आयकर अधिनियम के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आपको उस दिए हुए रेंट पर छूट मिल जाती है। और एक बहुत बड़ी छूट मिलती है, वो मिलती है लोन की। अगर आप घर के लिए लोन लिया है आपने, होम लोन, और उसको आप वापस कर रहे हैं तो उस लोन की आपको 2 लाख रुपए साल तक की छूट मिल जाती है। प्रिंसिपल की अलग मिलती है और इंटरेस्ट की अलग मिलती है। तो ये कुछ तरीके होते हैं। न्यू रजीम में अगर आप आएंगे तो न्यू रजीम जो इन्होंने बनाई है, वहां पर वित्त मंत्रालय का मंशा ये है कि हम टैक्स को सिंपल रखें, बहुत ज्यादा टैक्स बचाने के तरीके पे ना जाएं, आप सीधा सीधा कम टैक्स दें। तो न्यू रजीम में भी कुछ एक NPS वगैरह है जो न्यू रजीम में है, पर ज्यादातर जो टैक्स बचाने के तरीके हैं वो मैं सलाह दूंगा आपके सभी दर्शकों को, फॉलोअर्स को, कि वो ओल्ड रजीम में अगर जाएं। और करीब करीब 15 लाख रुपए ऐसी इनकम है जहां पर आप ये निर्णय कर सकते हैं कि अब आपको ओल्ड रजीम में जाना है, न्यू रजीम में जाना है। तो ऐसा देखा गया है
कि 15 लाख से ऊपर आप जाएंगे तो आपको फिर न्यू रेजीम फायदेमंद दिखनी शुरू हो जाएगी जी। पर 15 लाख से नीचे रहते हैं तो फिर आपको न्यू ओल्ड रेजीम में फायदा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे दर्शकों को टैक्स से जुड़ी इतनी जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, आप मुझको दीजिए इजाजत, नमस्कार।